Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our chapter Utanka's Guru Dakshina. So Utanka thanked her and started for home. Now Utanka ko mil jate hain earrings aur wo unko queen ko thank you bolta hai aur fir wo apne ghar ke liye journey shuru karta hai. Dusk was falling and he was tired. शाम होने लगी थी और वो थक चुका था. Leaning against the trunk of a tree, he rested, placing the earrings on the ground beside him. वो अपने ट्रंक को रखता है ट्री के पास, अपने बक्से को ट्री के पास रखता है और रेस्ट करने की सोचता है और अपने इयररिंग्स जो हैं वो अपने ही पास में ग्राउंड जमीन पर रख देता है. Suddenly he saw hands snatching the earrings and disappear. अचानक ही वो उसको देखता है कि एक हाथ उसके इयररिंग्स तक पहुंचता है और वो गायब हो जाता है. He sprang to his feet and turned round in time to see a man dressed in rags. वो उठता है अपने एकदम से उठता है अपने पैरों पर और इधर उधर देखने लगता है कि एक तब उसको नजर पड़ती है एक आदमी पे जो पुराने फटे कपड़ों में पहन रखे हैं किसी ने. Running through the forest और जो भाग रहा है जंगल की तरफ. Utanka ran after him as fast as he could when suddenly the man changed into a snake which wriggled into a hole in the ground. Utanka uske piche utni tez bhagta hai jitna wo bhag sakta hai aur achanak hi wo dekhta hai ki wo aadmi ek saap mein change ho jata hai, ek snake ban jata hai aur fir wo rengta hua ek dharti ke andar yani ki ground mein ek hole mein ghus jata hai. Jaisa ki क्वीन ने उसको पहले भी आगाह किया था कि एक सर्पेंट किंग जो है वो कब से नज़र लगाया हुआ है इन ईयरिंग्स पर, वो लेना चाहता है इनको, उससे सावधान रहना, और वही यहाँ पर हो गया. Utanka was greatly distressed for and try as he did, he could think of a no way to get through a so small a hole. Utanka बहुत स्ट्रेस में आ जाता है और वो सोचने की कोशिश करता है कि वो अब क्या कर सकता है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिलता कि वो एक छोटे से होल में कैसे जाए. He sat down to lament his fate. When an old man appeared before him, वो बैठ जाता है दुख मनाते हुए अपनी किस्मत का. इतने में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके सामने आता है. Do not worry my son, he said, I have come to help you. चिंता मत करो मेरे बेटे, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ. Even as he spoke, there was thunder and lightning and a great thunderbolt felt. जैसे ही वो ये चीज़ बोलता है उतने में ही वहाँ पर खूब बिजली चमकती है, लाइट चमकती है और एक बहुत तेज बिजली चमके बिजली गिरती है. द होल अर्थ शुक विद द फोर्स ऑफ इट, और पूरी जमीन जो है वो हिल जाती है उस फोर्स से. सडनली ऑल वॉज क्वाइट अगेन बट द नेक्स्ट टू वेयर Utanka स्टूड वॉज अ बिग होल इन द ग्राउंड. अचानक ही सब कुछ शांत हो जाता है और जहाँ पर Utanka खड़ा होता है वहाँ पर बहुत बड़ा होल हो जाता है धरती में. Utanka entered the hole and found himself in the kingdom of Serpent King. Utanka घुसता है उस होल में और अपने आप को Serpent King के सामने पाता है. Kingdom जो है Serpent King का, सांपों के राजा का, उसके kingdom में वो enter करता है. He walked slowly along and came to two women weaving a piece of cloth. वो धीरे धीरे उसमें उतरता है और दो औरतों के सामने जाता है जो एक कपड़े में लिपटी हुई हैं. He asked them the way to the palace of the Serpent King. और वो उनसे पूछता है उन लेडीज से कि Serpent King के पैलेस तक जाने का रास्ता क्या है. They did not heed him and went on with their weaving. वो उसकी तरफ देखती नहीं है और वो बुन रही होती हैं, पहने नहीं होता ना, बुन रही होती हैं कपड़ा. वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं, इग्नोर कर देती हैं और अपना कपड़ा बुनती रहती हैं. He saw that their cloth was made of black and white threads. वो देखता है कि उनका कपड़ा जो है वो बना हुआ है ब्लैक और वाइट थ्रेड से बना हुआ है. Next he came to a wheel with 12 spokes. फिर उसके सामने एक व्हील पड़ता है जिसमें 12 स्पोक्स होते हैं. Six boys turned the wheel round and round. छह लड़के जो हैं उस व्हील को घुमा रहे हैं. What are you doing? He asked the boys. वो उन लड़कों से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो. They did not answer him and went on with their work. वो भी उसको जवाब नहीं देते और अपने काम में लगे रहते हैं. So he went on till he saw a man with a beautiful horse. तो वो आगे चलता जाता है और वो देखता है कि एक उसके सामने सुंदर घोड़ा है. Utanka went up to him. Utanka उसके पास जाता है. He was so struck with the horse that he bowed respectfully to the man and said, "Oh Lord, I bow to you. Grant me a favor." अब वो उस घोड़े के पास जा रहा है और वो he was so struck with the horse. वो हॉर्स की तरफ देखता है और वो इतना ज़्यादा उसकी तरफ respectful हो जाता है, यानी कि वो उसके सामने झुकता है और बोलता है, "Oh Lord, I bow to you. Grant me a favor." मैं तुम्हें जो हॉर्स है वो उसके सामने बोलता है
जो आदमी है वो उसके सामने बोलता है कि झुक करके कि ओ लॉर्ड मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे आप मतलब जैसे अपन पुराने ज़माने में देखते हैं पुराने जो मैथोलॉजिकल टीवी शोज हैं के बोले आपको क्या वर्ड चाहिए, उसी तरीके से ये भी एक फेवर बोलता है। द मैन टर्न एंड सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू, द मैन घूमता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उतंका रिप्लाइड करता है, उतंका रिप्लाइड यानी कि उतंका जवाब देता है, लेट द सर्पेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर। अब उतंका के सामने वो उसने हॉर्स के पे जो व्यक्ति था उसने बोला ठीक है, अब वो और जो घोड़े पर आदमी बैठा हुआ था वही उससे पूछ रहा है कि आपको क्या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उतंका बोलता है कि सरपंच किंग को मेरे सामने लेकर के आओ और ब्लो इनटू द हॉर्स, ब्लो इनटू दिस हॉर्स, द मैन रिप्लाइड। और फिर वो बोलता है कि इस घोड़े पर आप फूंक मारो। उतंका वेंट अप टू द हॉर्स एंड ब्लू फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्स एंड बॉडी डार्टेड अ फ्लेम दैट शॉट थ्रू एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ द सर्पेंट किंग। अब उतंका उसके पास जाता है और घोड़े पर हर तरफ फूंक मारता है, उसके बालों पर घोड़े के, और उसकी बॉडी जो है उस पे डार्टेड अ फ्लेम, उससे आग निकलती है और जो पूरा किंगडम है सर्पेंट किंग का उस समय सब जगह आग लग जाती है। इट बर्न द हाउसेस टिल ऑल द सर्पेंट्स रश्ड आउट, वो सारे घर जल जाते हैं जब तक कि सारे सरपंच के घर चल जाते हैं और सारे सरपंच बाहर निकल के आते हैं बैगिंग उतंका टू सेव देयर लाइव्स। और वो उतंका से हेल्प की उम्मीद करते हैं, वो मांगते हैं कि हमारी जिंदगियां बचाओ। लेट द सरपंच किंग रिटर्न द इयर रिंग्स सेड उतंका, और उतंका कहता है कि सरपंच किंग को बोलो कि वो इयर रिंग्स वापस रिटर्न करे। ऑल द सरपंच दैट क्लैमर्ड फॉर द किंग टू रिटर्न द इयर रिंग्स, अब सारे सरपंच जो साफ होते हैं वो बोलते हैं राजा के पास जाकर के कि इसको इयर रिंग्स लौटा दो। All the serpents then clamored and he did so. और फिर उसके बाद में राजा भी उनको वापस कर देता है। The man gave Utanka the horse and in a few moments he was back at the hermitage. Man जो है उतंका को उतंका man gave Utanka the horse. Man जो है वो उतंका को घोड़ा भी दे देता है और कुछ ही क्षणों में वो वापस अपने हर्मिटेज में पहुंच जाता है। जस्ट इन टाइम टू गिव द इयर रिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस फॉर द फीस्ट, और उसी समय में वो फीस्ट भी शुरू होने वाला था उससे ही पहले वो इयर रिंग्स दे देता है। शी ब्लेस्ड हिम फॉर हिज ग्रेट करेज, वो उसको आशीर्वाद देती है, अच्छी मतलब ब्लेसिंग्स देती है उसके इतनी बहादुरी दिखाने के लिए। व्हेन उतंका रिलेटेड हिज एडवेंचर्स हिज मास्टर स्माइल्ड एंड सेड द डर्टी वाटर यू ड्रैंक माई वाटर माई बॉय वॉज अम्ब्रोशिया दैट विल गिव यू एटर्नल यूथ। अब उतंका जब अपने सारे एडवेंचर्स बता रहा होता है तो उसके मास्टर्स हंसते हैं और बोलते हैं उसके मास्टर उसका मास्टर हंसते हैं और वो कहते हैं कि गंदा पानी जो तुमने पिया था वो अम्ब्रोशिया था और ये तुम्हें एटर्नल यूथ देगा, तुम्हें जवान रखेगा। द टू मेडन्स वीविंग द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स आर डे एंड नाइट, जो दो मेडन्स एक कपड़ा बुन रही थी ब्लैक और वाइट वो दिन और रात थे। द व्हील विद 12 स्पोक्स इन दिस इज द ईयर विद इट्स 12 months एंड द बॉयज द सीजन, जो व्हील तो मैंने दिखा था 12 spokes के साथ वो साल है उसमें 12 महीने हैं और जो लड़के थे वो 6 seasons हैं। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन, और जो मैन था वो भगवान थे बारिश के। द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर, और हॉर्स जो है वो गॉड था फायर का। यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर माई चाइल्ड एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग्स, तुमने बहुत अच्छा किया है मेरे बेटे और तुम्हें मेरी आशीर्वाद मिलना चाहिए। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ फॉर ग्रेट फॉर्चून अवेट्स यू, अब दुनिया में जाओ तुम्हारे लिए बहुत अच्छी किस्मत अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। Thus Utanka have fulfilled having fulfilled his duties went into the world to seek his living. He was not as other than other men for he knew that God protected him, he had nothing to fear. Ab Utanka apni sari puri duties kar chuka hota hai, usko pata pad jata hai aur wo world mein jata hai apni jeevan jeene ke liye aur use pata hota hai ki usko protect kar rahe hain bhagwan aur usko kisi bhi cheez se darne ki zarurat nahi hai. So this completes our chapter about the story. According to the Hindu mythology, Utanka was a disciple of a famous sage. He went through many hurdles in procuring the earrings desired by his guru's wife in the form of Guru Dakshina. Utanka was successful in accomplishing the task in the end of the story. अब ये हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ये उतंका एक बहुत ही फेमस सेंट के शिष्य होते हैं और ये कई सारे हर्डल्स पास करते हैं, कई सारी बाधाओं को पास करते हैं अपनी गुरु की जो वाइफ है उनकी इच्छा गुरु दक्षिणा के लिए पूरा करने के लिए, और उतंका सक्सेसफुल भी हो जाते हैं एंड में और इसी तरह स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। सो दैट्स कंप्लीटेड आवर चैप्टर। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।